हाय गाइस, मैं हूँ दिलीप श्री खुड़ियार एंटरप्राइज से। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मशीन का इंस्टॉलेशन, मशीन को चालू कैसे करना है। जब आप हमारे पास से परचेस करोगे मशीन, तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे है इसका, आप इसको कैसे चालू करोगे, तो इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे आपको। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ और मशीन का पूरा वीडियो देखिए कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करते हैं इसका। तो आइए दोस्तों, दिखाते हैं इसका मशीन को कैसे ऑपरेटिंग करते हैं। सबसे पहले मशीन के साथ में हमने दो इसके पावर पॉइंट दिए हुए हैं, जो दो प्लग है वो हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। दो हीटर इसमें डाले गए हैं, 750 वाट के दो एलिमेंट हैं। तो दोनों का हमने मेन पावर कोड है वो अलग अलग दिया हुआ है, तो मेन केबल हमने यहाँ पे लगा दिया हुआ है। इसको अभी हम स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने स्टार्ट किया है तो यहाँ पे तुरंत ये लाइट चालू हो गया है। ठीक है, अब इसको कम कर देते हैं। सबसे पहले हम पानी डालेंगे उसके अंदर। तो पानी कैसे डालते हैं वो आपको बताते हैं। ये पानी डालने का हमने यहाँ पे नॉर्मल दिया हुआ है, ये इसका वॉल है, ये वॉल अभी बंद है। इसको हम ऊपर की साइड में घुमाएंगे, ये हमने ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर हम 8 लीटर पानी डालेंगे। ये 1 लीटर का जग है, ऐसे 8 जग हम इसके अंदर पानी डाल के मशीन को फिर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अभी ये 8 लीटर पानी पूरा होने को लास्ट जगह हमने डाल दिया है इसके अंदर। यहाँ पे हमको मैक्सिमम लेवल ऑल और मिनिमम लेवल यहाँ पे दिखाई देता है। आप देखिए, ये इसका इंडिकेटर है, यहाँ पे मैक्सिमम लेवल तक हमने पानी भर दिया है, इससे ऊपर हम नहीं भर सकते हैं पानी। ये 8 लीटर का टैंक है, इसमें हमने 8 लीटर पानी डाल दिया हुआ है। यहाँ पे मिनिमम लेवल है। जैसे हम इसको मशीन को चालू करेंगे तो स्टीम जैसे जैसे बनेगा वैसे पानी ये कम होता जाएगा। यहाँ पे जैसे स्टीम बनेगा ये प्रेशर अप होता जाएगा। तो अभी हम इसको मशीन को चालू करेंगे। मशीन का पावर हमने ऑन कर दिया है। इसका दोनों का जो सिस्टम है प्रेशर रिलीज करने वाला नॉब हमने बंद कर दिया है। ये जो कॉक है ऊपर का, अभी हम इसको ऑफ कर देंगे, यहाँ से बंद हो गया है। ये दोनों हीटर चालू है, ये इंडिकेटर हमको ये मैं दिखाते हैं कि दोनों हीटर हमारा ऑन है। अभी जैसे जैसे इसमें स्टीम बनेगा ये प्रेशर अप होता जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी इसमें आफ्टर 20-25 मिनट यहाँ पे प्रेशर का चेक करोगे तो ये 30 पे आ चुका है। ये जो सुई है पहले 0 पे थी, अभी ये 30 के प्रेशर पे आ चुकी है। अभी जैसे 30 पे थोड़ा टाइम रुकने के बाद ये ऑटोमेटिक इसका इंडिकेटर जो है वो बंद हो जाएगा, यानी कि इसको पावर सप्लाई जो हीटिंग है उसका वो हीटिंग करना बंद कर देगी। तो उसके बाद में इसका हम प्रेशर रिलीज करेंगे, बताएंगे कि कैसे प्रेशर रिलीज होगा, उसमें कैसे चाय बनाते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। अभी देखिए दोस्तों, ये बंद हो चुका है। ठीक है, ये दोनों अपना हीटर वर्किंग करने का बंद कर दिया है, यानी कि पावर सेवर मोड पे चला गया है। अब इसका बिजली का खपत यहाँ से नहीं होगा। फर्स्ट टाइम जब हम मशीन इंस्टॉल करते हैं तो अभी इसको प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा एक बार हमको। तो प्रेशर रिलीज करने के लिए जो नॉब है इसको हम इंडिकेटर घुमाएंगे। जैसे ही प्रेशर रिलीज करेंगे यहाँ पे प्रेशर डाउन होता जाएगा हमारा, अभी देख सकते हैं ऐसे ही स्टीम निकलता है इसमें से। थोड़ा सा स्टीम निकलने के बाद इसको हम बंद कर देंगे, ये बंद हो गया। अभी ये दोबारा जब 30 पे आएगा तो उसके बाद में हम चाय बनाना उसको चालू करेंगे, ताकि अच्छे से पावरफुल चाय हमको मिल पाए। तो अभी 10-15 मिनट का वेट करेंगे, तब तक ये प्रेशर इसके अंदर स्टीम बन जाएगा। दोस्तों, अभी इसके ऊपर दोबारा 30 के ऊपर प्रेशर आ गया है,
दोनों हीटर बंद हो चुके हैं, अब इसको हम प्रेशर रिलीज करेंगे और इसका चाय बनाएंगे। चाय बनाने के लिए ऐसा एक बर्तन लेना, ऐसा मग लेना जरूरी है, ठीक है। ये जग में सबसे पहले हम मिल्क मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे, सॉरी चाय पत्ती डालेंगे अभी, और टेस्ट के हिसाब से जितना हमको ज़्यादा कड़क करना हो उसके हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद में चीनी, अभी इसको मिक्स करना है हमको। थोड़ी देर में ये चाय हमारा बन जाएगा। अभी हमने यहाँ से इसको चालू कर दिया है, जितना हमको उबालना है उतने टाइम पे अभी हम इसको चालू रखेंगे। यहाँ से हम प्रेशर को प्लस माइनस कर सकते हैं। देखिए हमारा चाय अभी बन चुका है। एक डेढ़ मिनट में आपका 500 ml मिल्क का चाय बन जाएगा। जैसे जैसे उबालना है उतने टाइम पे इसके अंदर प्रेशर बना के रखेंगे हम। बिल्कुल इंस्टेंट चाय बन चुकी है हमारी, और जो स्टोव में चाय बनती है और ये स्टीम वाली चाय, दोनों के टेस्ट में बहुत सारा डिफरेंट है। ये वाली चाय बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए दोस्तों ये बढ़िया सी चाय बन चुकी है। अब इसको हम कोई भी कप में निकाल के सर्व कर सकते हैं। तो ऐसे बिल्कुल इजी सिस्टम वाली मशीन है। देखिए दोस्तों हमने 500 ml की चाय बनाई, फिर भी हमारा प्रेशर अभी बरकरार है, बरकरार है। यहाँ पे घटे के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। ऐसे हम 250 कप निकालेंगे, तब तक ये मशीन कंटिन्यूस अपना काम करती रहेगी। उसके बाद में हमको नया पानी डालना है। अभी हमने 500 ml मिल्क में से चाय बनाई, जो अभी हमारा प्रेशर थोड़ा ही डाउन हुआ है। सपोज मान लीजिए कि अभी 500 ml पानी भी हमारा यूज़ नहीं हुआ है, ये पानी जब तक यहाँ पे आ जाता है उसका मिनिमम लेवल पे हमको दिखेगा, तब तक हम इसमें से स्टीम बना के उसमें से एस्प्रेसो मशीन का यूज़ कर सकते हैं। तो बेहतरीन हैवी ड्यूटी वाली मशीन है, बढ़िया चाय बनाने वाली, कॉफ़ी बनाने वाली मशीन है। इसमें से आप सूप भी बना सकते हो। तो कोई भी चीज़ स्टीम वाली आपको बनानी है तो ये मशीन का इजीली यूज आप कर सकते हो। मशीन परचेस करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हमारे वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो। यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।